हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबीना गोरी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। यह प्लान वास्तु के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 20x30 का प्लॉट है और आप उसमें 2 BHK का प्लान चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, यह एक विदिशा प्लॉट है, इसलिए इसका फेसिंग नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। तो आइए अब जानते हैं कि यह विदिशा प्लॉट क्या होता है। फ्रेंड्स, आज हम विदिशा प्लॉट का नक्शा देखने वाले हैं। ज्यादातर प्लॉट दिशा के हिसाब से होते हैं, जैसे कि उसका मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण मुखी होता है। लेकिन विदिशा प्लॉट का फेसिंग दिशा अनुसार नहीं होता, पर कॉर्नर के फेसिंग होता है। विदिशा प्लॉट का फेसिंग ईशान, अग्नि, नैऋत्य या फिर वायव्य में होता है। तो आइए अब इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। यह हमारा प्लॉट है जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, यानी हमारे प्लॉट में जो फेसिंग होगा वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोने में होगा। इस प्लॉट में नॉर्थ साइड यहाँ पर कोने में आएगी और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर साउथ साइड आएगी जो कोने में होगी। यहाँ पर ईस्ट दिशा आएगी और इस कोने में वेस्ट दिशा आएगी। यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण आएगा और यह प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोना आएगा, यानी कि इस साइड में नॉर्थ ईस्ट कोना आएगा और प्लॉट की इस साइड में साउथ ईस्ट कोना आएगा। यह ईशान कोना है, यह अग्नि कोना है। यहाँ पर साउथ वेस्ट कोना आएगा जो प्लॉट की इस साइड पर होगा। यह नैऋत्य कोना है और यह वायव्य कोना है। तो इस प्रकार हमारा यह पूरा प्लान होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में हमने घर का मेन डोर उत्तर की ओर दिया है, यानी कि घर का मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ की साइड पर होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया ही दिखाया है। अगर आपके पास प्लॉट है और उसकी साइज ज्यादा बड़ी है तो आप घर की चारों ओर पर जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि आपको घर की नॉर्थ और ईस्ट साइड पर यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा पर ज्यादा जगह छोड़नी है और उसके सामने साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम की साइड पर कम जगह छोड़नी है। घर में एंटर होते ही ड्राइंग रूम आएगा। ड्राइंग रूम में आपको सिटिंग एरिया वेस्ट की साइड पर रखना है और वहां पर ही आपको एक खिड़की बनवानी है। ड्राइंग रूम के पास आपको सेमी बेडरूम बनवाना है। इस बेडरूम में आपको बेड इस वॉल पर लगाना है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की साइड पर आपको खिड़की बनवानी है। यह बेडरूम आप बच्चों के स्टडी रूम के लिए भी रख सकते हैं या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इसे रख सकते हैं।
सेमी बेडरूम के पास ही आपको स्टेयर केस बनवाना है। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ बनवाए। ड्राइंग रूम के पास यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया बनवाना है। इसमें यहाँ पर आपको पूजा रूम बनवाना है। यह घर का उत्तर कोना होगा, यानी कि पूजा घर के लिए यह सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपको पूजा घर बनवाना है। पूजा घर के पास यह एरिया आप डाइनिंग रूम में या फिर लॉबी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। डाइनिंग रूम के पास यहाँ पर आपको किचन बनवाना है। किचन के लिए आप यहाँ डोर भी बनवा सकते हैं या फिर आप यहाँ खुला यानी कि ओपन किचन भी बना सकते हैं। किचन में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनवाना है और वहां पर ही आपको खिड़की बनवानी है। यह घर का अग्नि कोना होगा। स्टेयर केस के पास यहाँ पर आपको कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना है, जिसका डोर डाइनिंग रूम में खुलता है। अब बात करते हैं घर के मेन बेडरूम की, जो आपको यहाँ पर बनवाना है, जिसका डोर डाइनिंग रूम में खुलता है। इस बेडरूम में आपको बेड इस वॉल पर लगाना है। मेन बेडरूम में से होकर यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना है, जिसका डोर मेन बेडरूम में खुलता हो। किचन के पास यहाँ पर आपको खुला स्पेस छोड़ना है। यहाँ पर आप छोटा सा गार्डन भी बना सकते हैं। इसका डोर आपको मेन बेडरूम में देना है, जिससे मेन बेडरूम में हवा का आवागमन सही तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, यह पूरा प्लान है, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ यह आपको हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी और साइज का प्लॉट है और आप उसमें वास्तु के अनुसार प्लान चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9316556917। यहाँ पर हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लान बनाकर देंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।